जय यीशु की। फिर एक बार भाई और बहनों, हम सभी यहाँ पर आए हैं प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए और अपना रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत करने के लिए। आज के दिन में हम लोग पश्चाताप के बारे में विचार करेंगे। जब पश्चाताप शब्द आता है, बहुत सारे लोग आज भी इस शब्द से कंफ्यूज हैं, समझते नहीं हैं आखिर यह है क्या। मैं जानना चाहता हूँ, क्या पश्चाताप जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए? पश्चाताप के बगैर क्या कोई स्वर्ग जा सकता है या नहीं जा सकता है? इस बात पर आप सोचिए, आप लोग क्या सोचते हैं? ईश्वर जो इतना दयालु है, हमें पश्चाताप नहीं करने से स्वर्ग जाने से रोकेगा? मैं समझता हूँ प्रभु येसु की बात पर हम एक बार विचार करें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, यह प्रभु की बात है इसलिए ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। यह प्रभु येसु का स्टेटमेंट है, प्रभु येसु का कथन है। इसलिए प्रभु येसु की इस बात को बड़े गंभीरता से हम विचार करें। प्रभु येसु जो दया का सागर है, हर व्यक्ति से बेहद प्यार करता है, प्यार के चलते स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया, वो प्रभु येसु हम सबों से इन कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हमें बताते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यानी कि प्रभु येसु मसीह मुक्तिदाता बन के आया है और वही मुक्तिदाता हर व्यक्ति को बचाने आया है, हर व्यक्ति को बचाने चाहता है। अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें पश्चाताप करना ही होगा। पश्चाताप के बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। भले ही प्रभु येसु मसीह हमें बचाने आए हैं, हम प्रभु के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, प्रभु हमें नहीं बचा सकता। इसका अर्थ यह है, इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यह कठोर शब्द इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि प्रभु नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाएं, एक भी बर्बाद हो जाएं, प्रभु नहीं चाहता है। हम समझते हैं जब प्रभु येसु ने बला गडरिया का उदाहरण प्रस्तुत किया, 99 भेड़ें वहां पर थी और एक भेड़ खो गई, उस एक भेड़ के लिए वो चरवाहा 99 भेड़ों को वहाँ पर पहाड़ी में छोड़ के एक की खोज करते हुए जाता है। इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभु के लिए एक एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के लिए यूं ही नहीं है, प्रभु हर व्यक्ति को सीरियसली लेता है, हर व्यक्ति प्रभु के नजरों में महत्वपूर्ण है, प्रभु हर व्यक्ति से प्यार करता है। इसलिए भेड़ों के दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें समझाता है, सिखाता है कि एक एक व्यक्ति को प्रभु बचाने आया। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसका अर्थ यह है, यानी कि प्रभु के साथ सहयोग देना, कोऑपरेट करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हर व्यक्ति को भरपूर आशीष देना चाहता है। अगर मैं डिसाइड करता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे प्रभु की आशीष नहीं चाहिए, तो प्रभु जबरदस्ती नहीं दे सकता। जिस प्रकार से उदाहरण है, अगर आप जानवर को पानी पिलाने के लिए पानी उसके सामने रखोगे, नहीं पीना चाहेगा वो, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हमें बचना है तो हमें प्रभु के साथ कोऑपरेट करना होगा, प्रभु के साथ सहयोग देना होगा। और सहयोग क्या है? पश्चाताप करना होगा। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। अध्याय 13 पद संख्या 5 में वही बात को रिपीट करते हुए कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यानी कि प्रभु हमसे कहता है, प्रभु मुझसे कहता है, प्रभु हम सबों से कहता है। कि हम सबों से क्या कहता है? यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। यदि हम सभी पश्चाताप नहीं करेंगे, हम सभी नष्ट हो जाएंगे। और प्रभु नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, प्रभु यह नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु हमें बताता है पश्चाताप करो और बच जाओ। जो पश्चाताप करता है वही व्यक्ति प्रभु येसु के प्रायश्चित का फल
जो कि मुक्ति है उसको प्राप्त कर सकता है। पश्चाताप के बगैर कोई भी व्यक्ति प्रायश्चित का फल मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु के निमंत्रण को हम स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप क्या है? अगर कोई आपसे पूछे पश्चाताप क्या है, पश्चाताप यह स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे द्वारा गलती हुई है, मैं दोषी हूँ। यह सरल सिंपल तरीके से पश्चाताप ही है, इस बात को स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ, गलती मुझसे हुई है, मैं दोषी हूँ, मेरी गलती के लिए और कोई दोषी नहीं है, मैंने गलत किया है या गलत बोला है, गलत किया है, इस बात को स्वीकार करना, यह है पश्चाताप। लेकिन बहुत बार हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। जब कोई गलती होती है, पूछा जाता है किसकी गलती थी, हम सबसे पहले बोले मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती उसकी थी, गलती इसकी थी, गलती उसकी थी, अलग अलग लोगों की गलती हम बताएंगे, अपना नहीं बताएंगे। या फिर हम लोग कहीं पर ऐसा भी करते हैं, वो सिचुएशन को बताते हैं, वो माहौल ऐसा था, वो वातावरण ऐसा था, वहाँ पर ऐसा होना ही था, ऐसे हम सिचुएशन को दोषी ठहराते हैं। कहीं बार हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वैसे कैसे हो गया, रीजनिंग करते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसा था वैसा था इसलिए गलती हुई। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझसे गलती हुई, गलती उससे हुई, गलती इस वजह से हुई, उस सिचुएशन से हुई, इस कंडीशन में हुई, उस वातावरण में हुई, उस व्यक्ति की वजह से हुई, अनेक बातों को दोषी ठहराते हैं। और हम इन सभी बातों से एक्सपर्ट हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कारण बताते हैं, हम क्या करते हैं तर्क वितर्क करते हैं, हम क्या कहते हैं दूसरों पर दोष लगाते हैं। और दूसरों पर दोष लगाना हम सभी एक्सपर्ट हैं, मास्टर्स हैं, हम सभी हमारे प्रथम माता पिता से सीख कर आए हैं। प्रथम माता पिता आदम और हेवा ने गलती की, गलती करने के बाद जब ईश्वर ने पूछा आदम से, आदम कहाँ पर हो, आदम छिप गया, डर गया। और उसके बाद ईश्वर ने जब आवाज़ लगाया आदम कहाँ पर हो, वो डरते हुए कांपते हुए वो कहता है मैं आपकी आवाज़ सुन के डर गया। उसके पहले भी आवाज़ दी थी ईश्वर ने, तब नहीं डरा, अब गलती की, गलती करने के बाद डर गया, छिप गया। उसके बाद जब ईश्वर ने पूछा बताओ क्या किया तुमने, वो बोलता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए वो क्या बोलता है, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप बताइए गलती किसकी थी, बहुत सारे लोग बताएंगे स्त्री की गलती थी, उसने फल दिया, गलती स्त्री की नहीं थी। आदम के स्टेटमेंट के अनुसार आदम क्या करता है, उसको पता था कि वहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर स्त्री के ऊपर दोष लगाएगा बाद में उसको मुश्किल होता जीने के लिए वहां पर, इसलिए स्त्री के ऊपर दोष नहीं लगाता है, अपनों को अपने लोग बचाते हैं हर बार। और वो क्या करता है, सरासर दोष ईश्वर के ऊपर लगाता है, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। अक्सर हम लोग हमारी गलती के लिए दोष ईश्वर को लगाते हैं, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, इतनी मैंने प्रार्थना की ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, इतना सब कुछ मैंने किया मेरी हालत यह है, दोष ईश्वर के ऊपर। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरी गलती हुई है तब जाके मेरे जीवन में बीत रहा है, हम नहीं सोचते हैं। दूसरी बात, अपनों को बचाने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, एक दूसरे को बचा लेते हैं। माता पिता से कहें तुम्हारा बच्चा यहाँ घूम रहा था, वहाँ मैंने देखा, यहाँ मैंने देखा, वो काम था ये काम कर रहा था, नहीं 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 मेरा बेटा ऐसा है नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हम अपनों को बचा लेते हैं। आदम ने वही किया, आज भी वही हो रहा है, हम अपनों को बचा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि अपनों से गलती हुई और गलती सरासर ईश्वर की ओर मंडराते हैं। यानी कि कुल मिला के हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कारण बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सिचुएशन बताते हैं, ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप वो है सरासर ईश्वर के सामने सिर झुका के हाथों को जोड़ते हुए बड़े विनम्रता से यह कहना, ईश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। दो लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, कौन थे दो लोग, एक नाकेदार था एक फरीजी था। फरीजी क्या सोचता है, मैं बहुत अच्छा हूँ,
रोज प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, रोज अपने पूजन पद्धति का नियम का पालन करता हूँ, हफ्ते में एक बार उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, चंदा देता हूँ, कहीं पर भी मेरी गलती नहीं है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। और सीना तान के बोलता, देखो ईश्वर मैं वैसा भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, उसके जैसा भी नहीं हूँ, इसके जैसा नहीं हूँ, वो पीछे कड़ा है, वो तो बहुत बेकार है, उसके जैसा भी मैं नहीं हूँ, अपना घमंड करता है। इस नाकेदार को देखिए, मंदिर के पीछे खड़े होके सिर झुका के विनम्रता से चाती पीटते हुए कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। बाइबल बताता है भाइयों बहनों, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करते हुए घर चला जाता है, जिसने बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार के ईश्वर के सामने आके, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, उसको दया मिल गई, उसके पापों की क्षमा मिल गई। पापों की क्षमा पश्चाताप के द्वारा मिलती है भाइयों बहनों, दूसरा कोई सरल तरीका नहीं है, सरल तरीका एकमात्र है, वह है पश्चाताप। इसलिए प्रभु बताता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्रेरित चरित अध्याय 20 प्रसंग 21 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करो। ईश्वर की ओर अभिमुख होना यानी कि दुनिया की ओर से पीछे हटना, दुनिया के मोहमाया से पीछे हटना और ईश्वर की ओर मुड़ना। अब तक पाप की ओर जा रहे थे, पीछे मुड़ के ईश्वर की ओर। इसलिए बाइबल बताता है, प्रभु का वचन बताता है, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं। पश्चाताप करना प्रभु की ओर मुड़ना, पश्चाताप करना यानी कि प्रभु की ओर अभिमुख होना। प्रभु की ओर अभिमुख होने के लिए निमंत्रण हमें दिया जा रहा है। पाप से मुड़कर ईश्वर की ओर बढ़ना पश्चाताप है, पाप से मुड़कर ईश्वर की ओर बढ़ना पश्चाताप है, और उसके लिए प्रभु हमें बुलाता है। और इसके इस सिलसिले में हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में सुंदर उदाहरण, जकियुस का उदाहरण। जकियुस जो समाज की दृष्टि में पापी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लोगों से मिलना नहीं चाहता है, लोग उसको टग्गी कहते थे या टग्गू कहते थे, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करता था। अब वो यीशु को देखना चाहता है लेकिन हिम्मत उसके अंदर नहीं है। बाइबल बता दो उसका कद छोटा है, लेकिन हम इस बात पर विचार करें, वो पाप करते 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 उसके अंदर की हिम्मत नहीं थी किसी के सामने जाने की। उसका सेल्फ एस्टीम इतना गिर चुका था कि अपने आप को उसने छोटा समझा, इसलिए उसका कद अपने आप छोटा हो गया, इसलिए सबके सामने नहीं जाता है। वो क्या करता है, गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, इंतजार करता है प्रभु यीशु का। और यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सबसे पहले वो क्या करता है, अब दुनिया के रास्ते छोड़ के, पैसे कमाने के गलत रास्ते छोड़ के, अलग तरीके से जुड़ के सहारे से जो कमाई करता है वो रास्ते छोड़ के यीशु के रास्ते पर आता है, यीशु के रास्ते में चलता है। बाइबल बताता है जिस रास्ते से यीशु जाने वाले थे उसी रास्ते से वो आगे बढ़ा, उसी रास्ते से आगे बढ़ के इंतजार करता है। इंतजार करने का अर्थ बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना, प्रार्थना के साथ वो यीशु का इंतजार करता है। इंतजार करता है, गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, दुनियादारी से ऊपर उठ गया, दुनिया के मोहमाया से ऊपर उठ गया, गलत तरीके से जीवन बिताता था वहां से ऊपर उठ गया। ऊपर उठना यानी कि ईश्वर की ओर बढ़ना, वो वहां पर इंतजार करता है। और यीशु उस रास्ते से आने वाले थे, वहां पर जब पहुंचते हैं उसको बोलते, जकियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। भीड़ में बहुत सारे लोग थे, किसी से भी प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, इस एक व्यक्ति से कहा जो कि सभी लोग सोचते थे सबसे बड़ा पापी यही है, सबसे बड़ा गुनहगार यही है, सभी लोगों के मन में यही था। लेकिन प्रभु उसको कहते हैं आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है, जकियुस जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। कितनी अच्छी बात है, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है प्रभु से कहता है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे दिल रूपी घर में आना चाहते हैं, दिल रूपी घर में आते हैं, हमारे परिवारों में आते हैं। आज बहुत सारे परिवार बर्बाद हैं, बहुत सारे परिवार में यीशु के लिए जगह नहीं है, यीशु के वचन के लिए जगह नहीं है, यीशु के लिए मूल्यों के लिए सिद्धांतों के लिए जगह नहीं है। इसलिए यीशु हर व्यक्ति से यही कहता है मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार में आना चाहता हूँ। जैसे यीशु उस जकियुस के अंदर आए, जकियुस के जीवन में आए, जकियुस के परिवार में आए,
जकियुस की मुक्ति हुई। जकियुस कहता है प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांटूंगा। प्रभु ने नहीं कहा था उसको गरीबों को बांटो, लेकिन यीशु जब आता है, यीशु का मनोभाव उसको मिल गया, यीशु का दिल मिल गया, यीशु जैसे सोचने लग गया, यीशु जैसे कार्य करने लग गया, उसने आधी संपत्ति गरीबों को दी। उसके बाद क्या कहता है, मैंने जिनके साथ गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए हैं उनको मैं चौगुना लौटा दूंगा। और जब इस प्रकार के स्टेटमेंट वह करता है, इस प्रकार से कार्य वह करता है, प्रभु उसको बताता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। एक व्यक्ति ने विश्वास किया, जकियुस ने, जकियुस के साथ साथ पूरा परिवार बच गया। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में, जहां कारापाल को संत पौलुस उत्तर देता है। जब कारापाल पूछता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, संत पौलुस बताता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके साथ आपके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं जकियुस ने जब पश्चाताप किया, किस प्रकार से उसको मुक्ति मिल गई और उसके पूरा परिवार को मुक्ति मिल गई। यीशु जकियुस के जीवन में आए, यीशु जकियुस के परिवार में आ गए, जकियुस का उद्धार हुआ, जकियुस के परिवार का उद्धार हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, यानी कि नया जीवन शुरुआत हुआ है। इसका शुरुआत आगे बढ़ेगा, विकास होगा और ये परिपूर्णता में जाएगा। और संभवतः जकियुस यीशु के साथ हमेशा जुड़ा रहा और हमेशा जुड़ा रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हम लोग देखते हैं उस स्त्री के बारे में जो व्यभिचार करते पकड़ी गई और उसको यीशु के सामने लाया गया। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इसको पत्थर मार के खत्म कर दें, क्योंकि नियम था। जब यीशु से पूछा गया क्या करना चाहिए, यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो वो व्यक्ति सबसे पहला पत्थर मारे। हर व्यक्ति को प्रभु ने इस बात पर सोचने के लिए, विचार करने के लिए एक निमंत्रण दिया, क्या तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो, अगर निष्पाप हो तुम कर सकते हो। तो जब लोगों ने सोचा कि मैं भी पापी हूँ, हर कोई व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, वो व्यक्ति एक एक करके वहाँ से खिसक गए, वहाँ से दूर चले गए। जब सभी लोग चले गए, प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा क्या कोई नहीं था जो तुमको पत्थर मारे, बोली कोई नहीं है। तो प्रभु के स्टेटमेंट के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उसको पत्थर मार सकते थे। प्रभु ने कहा जो निष्पाप हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े थे, निष्पाप, पत्थर मार सकते थे। तब भी प्रभु क्या कहते हैं उस स्त्री से, जाओ दोबारा पाप मत करना, मैं भी तुम्हारे पर दोष नहीं लगाऊंगा, पत्थर नहीं मारूंगा, तुम जाओ लेकिन दोबारा पाप मत करना। मैं समझता हूं उस स्त्री ने दोबारा पाप नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आशीष प्रभु ने दी, जिंदगी उसको दी। प्रभु यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आए हैं, प्रभु मारने के लिए नहीं आए हैं, दंड देने के लिए नहीं आए हैं, सजा देने के लिए नहीं आए हैं, जिंदगी देने के लिए आए हैं। प्रभु ने हर व्यक्ति को जिंदगी दी। प्रभु हमें बुलाता है भाइयों बहनों जिंदगी देने के लिए। जिंदगी बहुत ही कीमती है, जिंदगी को प्रभु ने हासिल किया है। हम लोगों ने बर्बाद कर रखा था पाप करते करते, सारी जिंदगी बिगाड़ रखी थी, सारे परिवार बिगड़ रखे थे। प्रभु आना चाहते हैं जिंदगी देने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए, हम सबों को जिंदगी देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु का हम स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं पश्चाताप दो प्रकार से हम करते हैं, एक है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। नकारात्मक यानी कि पश्चाताप केवल पाप के लिए शोक मात्र, यह है नकारात्मक पश्चाताप, पाप के लिए केवल शोक दुख व्यक्त करना। सकारात्मक क्या है, यह मन का परिवर्तन है जो आचरण को बदलने की ओर अग्रसर करता है, यह सकारात्मक पश्चाताप है। जब यूदस ने पाप किया, यूदस ने गलती की, उसने शोक मनाया, उसको दुख हुआ, बाद में उसको दुख हुआ मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, 30 सिक्कों के लिए मैं अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने गुरु को मैंने बेच दिया, दुख हुआ। दुख होना पश्चाताप नहीं है भाइयों बहनों, दुख होना पश्चाताप नहीं है, वो नकारात्मक पश्चाताप है। सकारात्मक पश्चाताप क्या है, यह मन का परिवर्तन है जो आचरण को बदलने की ओर अग्रसर करता है। हमारा आचरण बदलना चाहिए, यह है पश्चाताप, जो कि जकियुस के जीवन में हम देखते हैं। जकियुस का मन के विचार में परिवर्तन आया, आचरण में परिवर्तन आया, यह परिवर्तन, इस प्रकार का पश्चाताप प्रभु चाहता है। जब इस प्रकार का पश्चाताप होगा तब मैं सचमुच प्रभु के साथ जुड़ जाऊंगा। केवल दुख व्यक्त करने से नहीं होता है, केवल सॉरी बोलने से क्या होता है,
नहीं होता है। बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी गलती कर दी सॉरी, उसके बाद 10 मिनट में वही गलती कर दी सॉरी, दिन में कहीं बार सॉरी, उस सॉरी का अर्थ मालूम ही नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा उसमें है मन के विचारों में परिवर्तन हो, हमारे आचरण में परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो, इस प्रकार का पश्चाताप प्रभु चाहता है। इसलिए जब नकारात्मक पश्चाताप हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं। और वहां पर अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पाप स्वीकार करते हैं, झूठ बोला है, चोरी किया है, बड़ों की बात नहीं मानी है, और एक बात है और एक बात, पांच बात। जो पहली बार ब्रदर ने, फादर ने या सिस्टर ने पाप स्वीकार करने के लिए सिखाया था, तब सिखाई हुई बात वही ऑर्डर। 7 साल की उम्र में मान लो उसने पहली बार पाप स्वीकार किया और उसके बाद परम प्रसाद का संस्कार मिल गया। 17 साल की उम्र में वही ऑर्डर है, 1 2 3 4 5। 27 साल की उम्र में वही ऑर्डर है, 1 2 3 4 5। और कई बार मैं जब पाप स्वीकार सुनता हूँ, इंसान बुढ़ा हो गया तब भी बोलता माता पिता की बात नहीं मानी, इसके मतलब क्या, वो एक रीति रिवाज पूरा करता है, पश्चाताप किया नहीं है। पाप स्वीकार के लिए जाना है, पाप स्वीकार के लिए जाते हैं और वहाँ पर परिवर्तन नहीं आता है, रीति रिवाज से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन विचारों के बदलने से, हमारे जीवन के बदलने से, आचरण के बदलने से परिवर्तन आता है। प्रभु इस प्रकार का पश्चाताप चाहता है। एक बार एक जवान लड़की पाप स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज के दिन में जवान लोगों को पाप स्वीकार करना बहुत ही दिक्कत होती है। जवान लोग सोचते हैं क्या पाप स्वीकार करना है, मैंने कोई गलती की नहीं है, सब कुछ उनके लिए सही है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग आते हैं पाप स्वीकार करने के लिए जवान लोग। ध्यान रखिए प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, बड़े ध्यान से सोचिए इस बात को, हम प्रभु के साथ दिल से जुड़े हैं और दिल से जुड़ने के लिए सुंदर विकल्प प्रभु ने हम सबको दिया है, सुंदर संस्कार प्रभु ने रचा है पाप स्वीकार का। इसलिए हम अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करने जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पसंद 13 में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप को छिपा के रखता है वह व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा। बड़े ध्यान से कान खोल के सुनिए भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति पाप को छिपाता है वह व्यक्ति अपने जिंदगी में उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो व्यक्ति पाप स्वीकार में पापों को प्रकट करते हुए उन पापों को छोड़ने का संकल्प करता है उस पर दया की जाएगी। इस बात को हम समझें, जो व्यक्ति पाप स्वीकार में पाप को प्रकट करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है उस व्यक्ति पर दया की जाएगी। और हम सबों को प्रभु की दया की आवश्यकता हर पल है, क्योंकि हम सभी ऐसे पापमय वातावरण में जीते हैं, इसलिए हम सबों को हर वक्त हर क्षण उस प्रभु की दया की आवश्यकता है। प्रभु की दया हमें मिलनी है, केवल प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर बोलने से नहीं होता है। भाइयों बहनों, सच्चा पश्चाताप के द्वारा ही, पाप स्वीकार के द्वारा ही हम प्रभु के उस दया को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा के लिए, दया के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, एकमात्र कीमत चुकानी है, वो है पश्चाताप करना है। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, ताकि प्रभु की दया हमें मिल जाए, प्रभु की दया की भीख हमें मिल जाए, हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारा जीवन संभल जाएगा, अन्यथा हम लोग बर्बादी की ओर जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें कि पश्चाताप करना कितना जरूरी है, पश्चाताप के बगैर प्रभु हमें नहीं बचा सकता है। इसलिए पश्चाताप करें, सच्चा पाप स्वीकार करें। पाप स्वीकार में एक एक बात को हम बताएं, एक एक बात को बताते हुए एक एक गलती के लिए आंसू बहाएं, हमारी आंसू प्रभु देखता है और प्रभु हमें माफ करेगा। इसलिए प्रभु बताता है तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे हो गए हो, जैसे हमने पश्चाताप किया हमारे पश्चाताप के अनुसार हमें क्षमा मिलेगी। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें। लूकस के अध्याय 13 पद संख्या 3 और 5 की बात जो प्रभु बताता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। इसलिए इस बात को मन में रखते हुए हम पश्चाताप करें। रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में लिखा है, सबों ने पाप किया, सभी ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए, इसलिए सभी के लिए पश्चाताप जरूरी है। सभी ने पाप किया, सभी लोग ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं, इसलिए सभी लोगों को पाप स्वीकार करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप के बगैर कोई भी नहीं बच सकता है। उड़ाव पुत्र की कहानी देखिए, जब उड़ाव पुत्र ने पश्चाताप किया तब जाके उड़ाव पुत्र के पिता ने उसको गले लगाया, उससे पहले उड़ाव पुत्र का पिता उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर
बाहर निकला, गांव गांव घूमने नहीं गया, उसने उसका पश्चाताप का मौका दिया। जब पश्चाताप का मौका प्राप्त करते हुए उड़ाव पुत्र लौट के आया, पश्चाताप किया, पिता से कहा, पिताजी मैंने गलती की है, इस बात को स्वीकार किया, तब जाके पिता ने उसको माफ किया। प्रभु यीशु के साथ सूली चढ़ाए हुए दो डाकुओं को देखिए, जब एक ने कहा पश्चाताप करते हुए, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा, उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा तुम आज ही परलोक में मेरे साथ रहोगे, दूसरे व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। भाइयों बहनों, हम समझ सकते हैं दूसरा व्यक्ति हमेशा के लिए बर्बाद हुआ, नष्ट हुआ। आप जानते हैं बर्बाद होने का मतलब, नष्ट होने का मतलब, यानी कि बर्बाद होना, नष्ट होना मतलब जो स्थान पिता ने स्वर्ग राज्य में अनंत सुख के लिए हम सबों के लिए तैयार कर रखा है, वो स्थान पर अगर हम नहीं पहुंचेंगे वो जगह हमेशा के लिए खाली रहेगा। यानी कि वो खाली रहने का मतलब हम नष्ट हुए, हम बर्बाद हुए, पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं हुआ, गलत हुआ, इसलिए प्रभु बताता है हम नष्ट हुए, बर्बाद हुए। इसलिए प्रभु चाहता है हम बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि बचे रहें। बचाने के लिए प्रभु आया है, इसलिए प्रभु के पास जाना हो तो पश्चाताप करना है, पश्चाताप के साथ, पाप स्वीकार के साथ प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमें स्वीकार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, आज के दिन में उस प्रभु से हम विनती करें कि प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दें। बहुत सारे लोगों को पश्चाताप का वरदान नहीं मिलता है, इसलिए पश्चाताप नहीं करते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दें। आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, आप मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आए, मेरे पापों की सजा आपने काटी है। प्यारे यीशु जी, मैं आज के दिन में आपके पास आता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझे इस वक्त विशेष रूप से मेरे पापों को देखने की, मेरे पापों के लिए पश्चाताप करने की कृपा दीजिए। मुझे अच्छे से पश्चाताप करते हुए, सकारात्मक तरीके से पश्चाताप करते हुए आपके पास लौट के आने की कृपा, साहस, हिम्मत मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु आप मुझे बचाने आए हैं, मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए पश्चाताप के साथ मैं आपके पास आता हूँ। हे प्यारे यीशु, मुझ पर दया कर, हम सभी लोगों पर दया कर। वही प्रभु, हम सभी लोगों पर दया करें, हमारे सारे पापों को क्षमा करें और हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।